नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने रेगुलर चर्चा किया है अपने वीडियो के अंदर के यहाँ पर मार्केट के अंदर FIIs लोग जो हैं वो 19,600 की पुट भी बेच रखे हैं 100 रुपये के ऊपर, और 19,600 की कॉल भी बेच रखे हैं 100 रुपये के ऊपर। ये दोनों के दोनों स्ट्राइक प्राइस जो थी 19,600 की ही थी, और कॉल पुट दोनों को मिलाकर 100+100 यानी कि 200 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम बेचा हुआ है। और ये सब बातें हमारी हुई थी इस वाली वीडियो के अंदर जो कि हमने ट्यूसडे को पोस्ट की थी, और हमने आपको बताया था कि इस वीक की जो एक्सपायरी है वो 19,600 के आसपास अगर हो जाती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पर FIIs लोगों को ये 200 रुपये का पूरा प्रीमियम खाने को मिल जाएगा, और वो बड़े ईजी तरीके से अपनी पोजिशन को कंट्रोल कर लेंगे और प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। तो ये चर्चा हुई थी हमारी कब, ट्यूसडे को हुई थी, और कल मार्केट में नीचे की गिरावट आई थी, लेकिन हम लोगों ने आपको समझाया था कि जो इनकी पोजीशंस का जो ब्रेक इवन है वो है 19,400 का, तो 19,400 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, और कल की क्लोजिंग जो हुई थी वो 19,400 के ऊपर हुई थी। साथ में आपको ये समझाया था कि 19,400 के आसपास बिल्कुल भी कोई भी शॉर्ट मत करना, ये आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के समझाया गया था, 3 से 4 बार आपको हिंट दिया गया था कि 19,400 के आसपास कोई भी शॉर्ट मत करना, इस वाली वीडियो के अंदर ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। साथ में यहाँ पर मार्केट के अंदर आज क्या हुआ, अब हम वो चेक कर लेते हैं, और आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर वो भी फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो ये 200 रुपये का जो प्रीमियम था वो 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा डकार लिया FIIs लोगों ने, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो निफ्टी का चार्ट है आज, और आज निफ्टी का जो हाई लगा है वो निफ्टी का हाई 576 का लगा है, यानी कि मतलब आप समझ सकते हो 19,600 के आसपास आज वो एक्सपायरी डे वाले दिन मार्केट को लेकर आ ही गए, ठीक है। और जो इस हफ्ते का जो लो लगा है वो तो आप जानते ही हो, ब्रेक इवन के आसपास का लगा है। तो यहाँ पर 19,600 की जो पुट है वो मतलब आप समझ लीजिए उन्होंने क्लोज़ कर दी थी 11:30 बजे के आसपास, वो मैं बता देता हूँ कितने रुपए के ऊपर क्लोज़ की थी, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके कि FIIs लोगों ने कितने रुपए का प्रीमियम यहाँ पर ईट किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको मैसेज भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जहाँ पर मैं मैसेज कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है डाटा पॉइंट्स के ऊपर, क्या नहीं हो रहा। तो जैसे ही मतलब वहाँ पर मैंने मैसेज किया था कि आज का जो काम हो गया है और अब मार्केट में कुछ नहीं होना, और मार्केट में फिर उस मैसेज के बाद 3 घंटे तक मार्केट में कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है। तो 19,600 का जो पुट था वो यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास जो है क्लोज़ कर दिया गया था, और 95 रुपीज़ के ऊपर इसको बेचा गया था इस पुट को। तो ये ट्यूसडे का पुट थी, पुट की पोजीशंस थी, और 11:30 बजे के आसपास तकरीबन यहाँ पे 11:30 बजे का टाइम मुझे याद है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पुट को 31 या 32 रुपये के आसपास इसको बेच दिया गया, यानी कि क्लोज कर दिया गया पोजीशंस को। तो और ये पोजीशंस जो थी वो ट्यूसडे को ली गई थी 19,600 की पुट, जो कि 95 पे बेची गई थी, और इसको 30-31 रुपये के आसपास बेचा गया, मतलब क्लोज कर दिया गया। तो 95 की बेची हुई पुट 31 रुपये के ऊपर क्लोज़ की गई, यानी कि इनको यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ तकरीबन 60-65 रुपये का, ठीक है, तो पुट के अंदर। और साथ में जो कॉल बेची थी 100 रुपीज़ की, वो तो पूरी की पूरी ज़ीरो ही हो गई, तो यानी कि 100 रुपये का पुट कॉल का प्रीमियम ज़ीरो हुआ, प्लस 65 रुपये यहाँ पर खाए गए पुट के अंदर। तो कॉल प्लस पुट दोनों को मिला के 165 रुपीज़ का प्रीमियम खाया गया, बेचा प्रीमियम था इन्होंने 200 रुपये के आसपास, जो भी आपको समझाया था मैंने, टोटल मिला के 165 का प्रीमियम जो है वो ईट किया गया 3 दिन के अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है FIIs के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 दिन में अगर 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिले तो बहुत ज़बरदस्त उस चीज़ को माना जाता है। तो 165 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है यहाँ पर ओवरऑल, और आप चेक कर सकते हो 19,600 की जो कॉल है वो ज़ीरो होकर चली गई, मतलब वर्थलेस एक्सपायर हो गई, ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है, और मार्केट ने वैसा ही फॉलो किया जैसा हम लोगों की एक्सपेक्टेशन डाटा पॉइंट्स बता रहे थे। तो अब दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से हम चेक कर लेते हैं आगे आके मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बाउंस था वो तो अब हमने जो एक्सपेक्ट किया था 400 से मार्केट का बाउंस जो है 600 तक आ सकता है, वो तो आ चुका है। अब जो इम्पॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, अगर मार्केट को यहाँ पे फर्दर ऊपर जाना है और ये जो कप विद हैंडल पैटर्न को
जो यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी उम्मीद अभी भी लगी हुई है कि हाँ मतलब पूरा हो सकता है, क्योंकि हमारा ये वाला जो लेवल है 19-200 का, ये अंडरकट नहीं हुआ है। इसीलिए अगर ये अंडरकट हो जाता है तो फिर ये कप विद हैंडल पैटर्न जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। लेकिन अभी तक जब तक ये अंडरकट नहीं होता है 19,200 का जो लेवल है, तब तक ये मार्केट के अंदर हमारा उम्मीद लगी रहेगी कि हाँ भाई ये फुलफ़िल हो सकता है, ये पैटर्न जो है वो अभी कंप्लीट हो सकता है कप विद हैंडल का पैटर्न। और ये पैटर्न के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर रखी है, रेगुलर बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इसकी चर्चा भी कर रखी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है मार्केट को ऊपर जाने में, इस बात को समझ लीजिएगा। ये बाउंस तो आ चुका है, लेकिन ये बाउंस जो है वो सच में मार्केट के अंदर नई रैली चालू करेगा कि नहीं करेगा, उसका अंदाजा जो है वो आपको तब लगेगा जब मार्केट 19,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। क्योंकि मैंने आपको एक रूल समझाया था कि जब भी बड़ी बड़ी कैंडल जो होती हैं वो उसको पार पाना, मतलब उसके ऊपर मार्केट का जा पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो हैवी सेलिंग होती है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, इस लॉजिक को मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है पुरानी वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट नहीं गया, बाउंस आया लेकिन फिर यहाँ पे सेल ऑफ आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट नहीं गया, मार्केट में बाउंस आया लेकिन फिर यहाँ पे सेल ऑफ हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये वाली जो बड़ी कैंडल बनी हुई है, इस बड़ी कैंडल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं चले जाता, कोई भी यहाँ पर बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन मैं तो पर्सनली नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बाउंस की एक्सपेक्टेशन तो थी जो कि मार्केट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ी रैली तभी आएगी जब मार्केट 19,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। याद रखना इस बात को, 19,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देगी तभी यहाँ पर ये इस तरीके से रैली आएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा, बाउंस के अंदर जो है वो प्ले कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट मत करना। ये तभी करेंगे जब हम एक्सपेक्ट, जब हमारे लेवल्स को मार्केट यहाँ पर क्रॉस कर देगी। तो हमारा लेवल हम जानते हैं बुलिश, बहुत ज़्यादा बुलिश होने के लिए क्या है, और एक नई रैली चालू होने के लिए क्या लेवल है वो हम जानते हैं। अगर यहाँ पर ये लेवल क्रॉस नहीं होता तो मार्केट में क्या हो सकता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास जो है एक रेसिस्टेंस है, और जो रेसिस्टेंस जो है वो 650 के आसपास है। तो 640 के आसपास मार्केट के ऊपर रेसिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, ठीक है, इस बात को समझ लेना। 640 के बाद जो है मार्केट के अंदर 750 और 800 के लेवल के ऊपर, यानी कि हर लेवल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रेसिस्टेंस खड़ा है मार्केट के अंदर, और ये आसान नहीं होगा मार्केट के लिए कि ये इसको कवर कर पाए, मतलब आसानी से पूरा कर ले, इसको क्रॉस कर दे, ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, इस बात को समझना। अब यहाँ पर अगर इसको नहीं कवर करता तो ये लेवल लिख लीजिएगा पहले, 640 का लेवल है जो कि मार्केट को दिक्कत देने वाला है, ऊपर के लेवल 650 के आसपास का लेवल है, 19,650 का लेवल, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्या कहते हैं आपका रिजेक्शन आता है और यहाँ पर अगर सेलिंग आती है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग नहीं होंगे, इस बात को ख्याल रखना, ठीक है। लॉन्ग नहीं होना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फिर एक डिप और मार्केट के अंदर आएगा, बिकॉज प्राइस एक्शन जो चलता है, कैसे चलता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन जो है वो इस तरीके से चलेगा, अगर ये ट्रेंड लाइन जो है वो काम करेगी, तो यहाँ पर अगर नेगेटिविटी आई मार्केट के अंदर, जो कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है, तो देन द प्राइस एक्शन विल टेल कि भाई हम 19,200 जाने के लिए फिर रेडी हो जाएंगे, ठीक है। बट ये कहानी जो है वो एक बहुत दिनों वाली कहानी है, कल के लिए मैं स्पेशली इसको नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ऐसा मार्केट आपको दिख सकता है। सो द मार्केट विल कीप कन्फ्यूजिंग टू ऑल ऑफ यू, बट प्रेडिक्शन जिस तरीके से चलता है मैंने आपको उसको अपडेट कर दिया पहले से पहले ही, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्स्ट्रा बेनिफिट टू ऑल ऑफ यू कि आप समझ सकते हो कि किस तरीके से प्रेडिक्शन चलेगा आगे आने वाले टाइम के अंदर, अगर ये वाले लेवल्स को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया तो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी प्रेडिक्शन जो है वो न्यूट्रल है, और यहाँ पर प्रेडिक्शन बाउंस तो आ चुका है, बट ये बाउंस कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा वो डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो यानी कि धीरे धीरे जब जैसे ही, अब मेरा जो व्यू है वो समझ लेना, मेरा व्यू ये है कि मार्केट में छोटा मोटा बाउंस तो अब और जो बचा है वो आ सकता है, लेकिन आई विल बी कॉशियस नियर 19,650, आई विल बी एक्स्ट्रा कॉशियस नियर द 19,650 लेवल, ठीक है। तो 550 और 580 तक तो मार्केट चला गया, लेकिन जैसे ही 500 पॉइंट ऊपर जाएगा ना मार्केट, आई विल बी द एक्स्ट्रा कॉशियस पर्सन इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये बात को समझना, और ये मैंने आपको ओपनली बता दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रेडिक्शन विच इज़ टेलिंग एवरीथिंग, और यहाँ पर बाउंस के अंदर कॉशियस होने की ज़रूरत अब मार्केट के अंदर आ गई है, ठीक।
बात कर लेते हैं फटाफट से FIIs DIIs की एक्टिविटी की। तो FIIs लोग जो हैं अभी भी जो हैं सेलिंग करे जा रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डॉलर के रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो इनको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही पड़ेगी, इनकी मजबूरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोज़ के अंदर। दोस्तों यहाँ पे डाटा पॉइंट्स भी चेक कर लेते हैं, डाटा पॉइंट्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कल जो है RBI पॉलिसी है और इस वक्त बड़े प्लेयर जो हैं वो कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं ऑप्शंस की। उन्होंने आज केवल पोजीशंस क्लोजिंग की तरफ ध्यान दिया, ठीक है, बड़े प्लेयर्स ने। तो यहाँ पर कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं। नई पोजीशंस जो बनेंगी वो कल बनेंगी जब पॉलिसी के अनाउंसमेंट 10 बजे के आसपास हो जाएगी, उसके बाद ही वो बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस कल बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी पोजीशंस बनाएंगे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो है अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं लॉस में, लेकिन आज उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब इनकी जो पोजीशंस हैं वो ये बता रही हैं कि मतलब ये होप में जी रहे हैं अभी भी। कौन? रिटेल ट्रेडर्स। देखो अक्टूबर यहाँ से 29 तारीख से जो है वो नई एक्सपायरी चालू थी, ठीक है। 29 तारीख के बाद जो है इन्होंने अक्टूबर मंथ जैसे ही चालू हुआ इन लोगों ने 7.5 लाख के आसपास पोजीशंस खड़ी कर ली पहले दिन ही और मार्केट नीचे गिर गई, ठीक। अब यहाँ पर ये लोग जो है ना, इन लोगों ने ना मतलब ये समझ लो ये लोग पोजीशंस ना 1.25 लाख तो पोजीशन इन्होंने क्लोज कर दी, लेकिन अभी भी जो पोजीशंस हैं वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग जो है ना वो होप में जी रहे हैं कि हाँ भाई बाउंस तो आ गया, अब ये बाउंस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हमको लेके जाएगा और प्रॉफिटेबल हमें कर देगा। ऐसा रिटेल ट्रेडर्स की मानने की मतलब डाटा पॉइंट्स को देखने की बात लग रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक चीज़ बोल देता हूँ, जब तक ये लोग अपनी इन वाली पोजीशंस को क्लोज नहीं करेंगे ना, ये बुलिश पोजीशंस हैं, जब तक ये वाली पोजीशंस इनकी क्लोज नहीं होंगी लॉस में, ठीक है, और जब तक ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करके बेरिश नहीं होंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और ऐसे ही फिर ये ड्रामा करता रहेगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर आपको समझा रहा हूँ कि हर लेवल के ऊपर ना अब मार्केट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेसिस्टेंस। जो मैंने आपको भी बात कही 640 680 ये सब रेसिस्टेंस के लेवल हैं बहुत तगड़े वाले, इसलिए ये रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाएगा आसानी से मार्केट। क्यों? क्योंकि डाटा पॉइंट्स जो हैं वो इस चीज़ को मतलब बता रहे हैं कि भाई ये लोग भर भर के अभी भी उम्मीद में बैठे हुए और मार्केट इनकी उम्मीद तो पूरी करने वाला है नहीं और नहीं करता है रिटेल ट्रेडर्स की उम्मीद पूरी, ये हम जानते हैं। तो इस चीज़ को समझना, तो अभी मैं इसी वजह से बाउंस और एक्स्ट्रा एक्सटेंड अगर होता है तो आई विल बी द कॉशियस पर्सन, ठीक है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो डाटा अभी ये तो कह रहा है कि ठीक है बाउंस आ सकता है, लेकिन बाउंस के अंदर मैं कॉशियस हो जाऊँगा, मैं फालतू की बुलिश पोजीशंस एक्स्ट्रा नहीं लेकर जाऊँगा घर पे, ठीक। बाउंस तो आ सकता है अभी और 100-150 पॉइंट का बाउंस अभी आ सकता है, बता रहा हूँ ओपनली, लेकिन वो बाउंस कल की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। पॉलिसी कैसी आती है, पॉजिटिव पॉलिसी आएगी तो कल के कल ही बाउंस आ जाएगा, अगर पॉजिटिव पॉलिसी नहीं आती है तो बाउंस फिर हम एक्सपेक्ट जो हम मतलब हम जो ये कह रहे हैं ना कि भाई बाउंस आए तो कॉशियस होना है, तो अगर नेगेटिव पॉलिसी आई, ठीक है, तो फिर बाउंस की उम्मीद छोड़ देना, फिर हम यहीं से फिर क्या कहते हैं फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो लोग जो है ना इनकी जो उम्मीद है ना रिटेल की, इनकी उम्मीदों पे पानी फिरना ही फिरना है, चाहे वो बाउंस आने के बाद फिरे चाहे वो यहीं से फिर जाए पानी, इस बात को ख्याल रखना, ठीक है। तो ये इस बात को समझ लो कि इनकी उम्मीदों पे पानी फिरना है। अब वो थोड़ा सा जो तड़का है ना वो कौन लगाएगा, अब वो बाउंस आके पानी फिरना है या फिर यहीं से पानी फिरना है, वो तड़का कौन लगाएगा, वो तड़का लगाएगा कल की RBI पॉलिसी, ठीक है, बात समझ ली आपने, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कहने का। और RBI पॉलिसी के आसपास कैसा डाटा बनेगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक। तो ये डाटा किस तरीके से, कुछ लोग पूछते हैं भाई कैसे डाटा बनता है ये, कैसे इसको एनालिसिस करते हो आप और कैसे सबको पता लग जाता है कि भाई बड़े बड़े क्या करके बैठे हैं, कैसे कर रहे हैं। और तो ये सब चीज़ों के लिए दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा एक पहला और आखिरी बैच इस 2023 का लास्ट बैच है, पहला बैच है, और इसी बैच के अंदर मैं सब कुछ कवर कर लूँगा, अपने सारे लॉजिक जो हैं पिछले 6 साल का मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो सब मैं कवर कर दूँगा। तो इस बैच के जो एनरोलमेंट हैं वो चालू हो चुके हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं लोगों को कि भाई क्लासेस क्या हैं,
क्लासेस जो हैं दोस्तों वो एक महीने की हैं, 5 क्लास होंगी एक हफ्ते के अंदर, सैटरडे संडे ऑफ हुआ करेगा, रात को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्लास हुआ करेगी, रिकॉर्डिंग्स जो होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी ताकि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो भी आपको यहाँ पर उसको मतलब रिकॉर्डिंग आपको मिले ताकि आप वहाँ पर क्लास का कोई भी कंटेंट मिस ना कर पाएँ। क्या क्या कवर होगा? प्रेडिक्शन कवर होगा, ऑप्शन चेन पूरा का पूरा कवर होगा, बड़े प्ले कैसे काम करते हैं, कैसे उनका डाटा देखा जाता है, कैसे उनकी एक्सेल शीट प्रिपेयर होगी, उनकी पोजीशंस के बारे में कैसे एनालिसिस करनी है, वो सब चीज़ कवर होगा। यानी कि ये लगा लीजिए जो भी ऑप्शन चेन या फिर जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर खुद ब खुद सीखने को मिल जाएगी। तो ये इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है एनरोलमेंट का वो कर सकते हैं। केवल 15 सीटें बची हुई हैं, अब 50% से ज़्यादा की सीटें कवर ऑलरेडी हो चुकी हैं, बुक हो चुकी हैं। कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 अक्टूबर है। चलिए दोस्तों फटाफट से अब चालू करते हैं आगे। तो निफ्टी की एनालिसिस जो हमने कर ली है, नई पोजीशन जो है कल बनेंगी आरबीआई पॉलिसी के आसपास, अभी कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। बाउंस आएगा तो मैं यहाँ पर कॉशियस हो जाऊँगा, ये मैं सब बातें कर चुका हूँ। बैंक निफ्टी क्या कहता है, बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अभी थोड़ा थका सा ही लग रहा है, लेकिन दोस्तों अब बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं वाली बड़ी कैंडल के हाई के ऊपर जा पाना। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, निफ्टी के अंदर भी हैव ऑन ईच एंड एवरी लेवल देर इज़ अ रेजिस्टेंस एंड ऑन द सेम टाइम यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर भी यहाँ पर ईच एंड एवरी लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस भर भर के है। तो यहाँ पर सबसे हैवी रेसिस्टेंस 44,800 पे है, ठीक है, और एक हैवी रेसिस्टेंस यहाँ मिलेगा 44,600 के आसपास, 600 से एक 800 के बीच में प्लीज़ कॉशियस रहिएगा। अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हमको एक यहाँ पर बहुत बड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये पोजिशंस मतलब कवर नहीं होती हैं या फिर इन लेवल्स के ऊपर जो मैंने लेवल्स आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बता दिए हैं, ठीक है, जब तक इसके ऊपर मार्केट के लेवल्स, जब तक मार्केट इनके ऊपर क्लोज नहीं कर देती, जब तक यहाँ पर कॉशियस रहने की बात मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अब दोस्तों इतना ही, रिलायंस और HDFC की बात कर लेते हैं जो कि हम डेली करते हैं, क्योंकि वही दोनों स्टॉक जो हैं वो चलाते हैं हमारे इंडेक्स को। तो रिलायंस चेक कर लेते हैं क्या कहने की, रिलायंस भी वही थका है। रिलायंस जब तक इस वाले लेवल्स को कवर नहीं करता 2380 तक, तो ये बाउंस को केवल हम बाउंस ही समझेंगे, कोई ज़्यादा इसमें एक्साइटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक का कैंडल अच्छी है, लेकिन आज ये इन्वर्ट हो गई, मतलब उल्टी हो गई कैंडल। तो अब जो है ये वाली जो बड़ी कैंडल है इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग मिलनी चाहिए 1563 के आसपास। इसके ऊपर जब मिलेगी कैंडल तभी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 1600 तक के आसपास का मूव मिलेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन में चला जाएगा HDFC बैंक और रिलायंस दोनों, ठीक है। तो कंसोलिडेशन इज़ अ गेम राइट नाउ विच इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, और वी शुड रिस्पेक्ट दैट कंसोलिडेशन। इस बात की चर्चा जो है हम लोग शायद मेंबर्स जानते होंगे इसकी इम्पोर्टेंस जो अभी मार्केट में उनको देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।